गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप देखें, आज काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, जो कि रैली नीचे से 16,800 से हम ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली देखने के बाद आज करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर 75 मिनट चार्ट पे पहले देखें तो ये एक राइजिंग चैनल आपको दिख रहा होगा। अगर हम ये लो और ये बजट डे वाला लो और आज का, अगर हम ये दो लो ही ज्वाइन करें तो ये बिल्कुल ही यहाँ आके निफ्टी क्लोज हुई है। तो हमें लगता है कि अगर बुल्स में अभी क्षमता है निफ्टी को ऊपर ले जाने की, तो यही एक सपोर्ट है जिसमें जिससे निफ्टी वापस 18,000 की तरफ, 18,030, 18,050 की तरफ निफ्टी जा सकती है। और अगर नहीं गई तो मतलब अगर बुल्स उतने पावरफुल नहीं हैं तो नीचे हमें वापस से एक ये 16,800 की तरफ जाते हुए निफ्टी दिख रही है, क्योंकि अब यही एक सपोर्ट है। क्योंकि हम हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हम आपको एंड ऑफ डे ही निफ्टी का व्यू बताते हैं, तो इससे ये होता है कि जो कभी कभार पिक्चर क्लियर भी हो जाती है कि पूरे दिन में क्या हुआ, और कभी कभार हम एक डिसएडवांटेज पे भी होते हैं कि इंट्राडे जो लेवल हम देना चाहते हैं जिसपे आपको शॉर्ट करना चाहिए, तो उस लेवल हम नहीं दे पाते हैं। तो मैं दोनों लेवल्स आपको मेंशन कर दूंगा अभी, तो आप इंट्राडे खुद डिसीजन ले सकते हैं। और तो 75 मिनट पे अगर आप देखें तो एक ये जो सपोर्ट है वो यही ट्रेंड लाइन का है। तो अब 17,500 जो है एक बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया। अगर आप देखें तो अभी जो ओपन इंटरेस्ट है जिसपे पुट राइटर्स अभी भी होल्ड करे हुए हैं वो है 17,500 ही। तो 17,500, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट आप एक मार्जिन दे दीजिएगा, तो 17,480, 17,500 अगर होल्ड कर जाता है तो हमारा व्यू ये रहेगा कि वापस से हम 18,000 की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर 17,480 से 500 के नीचे निफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ एक पुल बैक रैली थी, जो कि ये अगर आप देखें डेली चार्ट है तो इस पे पूरा हमने आपको दिखाया था कि ये इससे 2-3 दिन पहले, अगर आप 2-3 दिन पहले की वीडियो चेक करेंगे तो उस पर हमने दिखाया था कि 17,772 एक 61.8% रिट्रेसमेंट है। तो उसको 772 को ये 794 तक निफ्टी गई और आज करेक्ट हो गई। तो ये 61.8 बहुत क्रूशियल लेवल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये क्रॉस नहीं हो पा रहा, अगर फिर एक अटेम्प्ट पे नहीं क्रॉस होगा तो आपको वापस, तो ये जो रैली हुई ये करेक्शन हुई। अगर आप ये देखें ये इम्पल्स है, मतलब कि नीचे आने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन लगे और ऊपर निफ्टी 1, 2, 3 वापस 6 सेशन लेके सिर्फ यहाँ 17,794 तक ही पहुंच पाई है। तो स्पीड नीचे की तरफ है, तो जो मेजर ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी आप देखें तो बुल्स के लिए कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर ये 17,500 होल्ड कर लेते हैं तो वापस 18,000 देखने को मिलेगा, नहीं तो हमें ये लगता है हम वापस 17,000 की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज जो सेलिंग देखने को मिली है लग रहा है कि एफआईएस की सेलिंग है, क्योंकि इतनी लास्ट आधे घंटे में ही मेजर सेलिंग आई। आधे घंटे में ही अगर आप देखें तो काफ़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर गई। तो हम व्यू चेंज करते हैं, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट बुलिश। और हमने कल मेंशन किया था कि 17,620 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो एटलीस्ट आप कुछ तो गेंस लेके निकल गए होंगे। ऑब्वियसली टॉप पे कोई नहीं निकल सकता, बट आप क्योंकि कल तक हमने बोला था व्यू बुलिश ही है, लेकिन स्टॉप लॉस 17,620 था, तो हमारी एटलीस्ट जो वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको 620 पे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा होगा तो आप एटलीस्ट कुछ तो गेन्स बचा सके होंगे। तो अभी हमारा व्यू न्यूट्रल हम मेंशन करेंगे, व्यू न्यूट्रल है निफ्टी पे। एंड यू बुलिश लिख सकते हैं टिल 17,480 टू 17,500 हो,
व्यू विल चेंज टू नेगेटिव और बेरिश, इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो 17,480 से 17,500 की रेंज, एक 20 पॉइंट की रेंज है। अगर निफ्टी इससे नीचे सस्टेन करती है तो व्यू बेरिश हो जाएगा फॉर टारगेट्स ऑफ अगेन 16,800 टू 17,000। ये हमारा व्यू है। तो आई थिंक अब काफ़ी क्लियरली हमने समझा दिया है जो हमारा व्यू है। तो जो लेवल है वो यही देखने का है, 17,480 से 17,500। अगर वो होल्ड करता है तो आपको एक बार और ये जो राइजिंग पैरेलल चैनल में आप देख सकते हैं, तो वापस हम 18,000 की तरफ चलना शुरू कर देंगे। बट अगर वो होल्ड नहीं कर पाता है तो ये सिर्फ जो 6 दिन की रैली थी, तो 1,000 पॉइंट की ये पुल बैक रैली थी, मेजर ट्रेंड डाउन ही है। और हम आगे 16,800 जो पुराना लेवल था जहाँ से निफ्टी टर्न हुई थी वहाँ दोबारा जा सकते हैं। ये अपना व्यू है। तो यहाँ हम एक छोटा मेंशन भी कर देते हैं कि ये 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से निफ्टी टर्न करी है। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं वो समझ पाएंगे कि 61.8% रिट्रेसमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी आप खुद ही देख सकते हैं कि निफ्टी आज गिरी है ऑलमोस्ट 1.24%, बट बैंक निफ्टी 0.8% गिरी है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी व्यू बुलिश ही है क्योंकि कल का लो भी नहीं तोड़ा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग होना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है निफ्टी से अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्यू बुलिश, ये अभी हमारा जो है व्यू मेंटेन रहेगा। बैंक निफ्टी पे कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है, तो व्यू बुलिश ही है। एक्सपेक्टिंग अगेन एक रैली 39,500-700 तक, इन कमिंग सेशन स्टिल 38,750 होगी। तो 38,750 इधर का भी स्टॉप लॉस 38,750, और कुछ मोमेंटम में जो हमने बोला था कि आप बाय कर सकते हैं उसका भी स्टॉप लॉस 38,750 है। तो कल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स अभी भी मेंटेन है 39,500-700। हो ये भी हो सकता है कि निफ्टी बाउंस करे और बैंक निफ्टी 39,500-700 कंप्लीट कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू। और सेक्टोरल इंडिसेस पे देख लेते हैं आज सबसे ज़्यादा बेरिश और बुलिश सेक्टर कौन से थे। तो बेरिश निफ्टी आईटी है। तो जैसे कि हमने बोला था कि ये एक डिप आ सकता है अभी भी, हमें भी यही लग रहा है कि एक एक बार ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे या टेस्ट करके वापस ऊपर जा सकती है। तो ये व्यू अभी भी हमारा मेंटेन्ड है निफ्टी आईटी पे। सीएनएक्स रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, सीएनएक्स सर्विस में कुछ नहीं है, रेंज बाउंड मूवमेंट है। सीएनएक्स फाइनेंस कुछ नहीं है, सीएनएक्स इंफ्रा अभी बहुत दूर है। कुछ मेजर इन सेक्टर्स में नहीं हो रहा है। सीएनएक्स मिड कैप 500 दोनों में कुछ नहीं है, कुछ फ्रेश ट्रेड नहीं है। ये बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सीएनएक्स मीडिया, सीएनएक्स पीएसयू बैंक अभी भी बुलिश है। आज एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, बट इसको भी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो अभी व्यू बुलिश ही रहेगा इस पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप ऊपर ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच स्टॉक यू आर इन। तो सी एन एक्स पी एस यू बैंक अभी बुलिश है। सी एन एक्स स्मॉल कैप थिंक देयर। सी एन एफ एफ एम सी जी में भी अभी कुछ नहीं है। एफ एम सी जी हो सकता है टर्न अराउंड कर रहा हो, बट अभी और कंफर्मेशन चाहिए। तो सबसे बुलिश सेक्टर जो था आज सी एन एक्स ऑटो। सी एन एक्स ऑटो जैसे कि हमने एक बार आई थिंक लास्ट मंथ हमने एक बार डिस्कस किया था कि ये सी एन एक्स ऑटो का एक रेजिस्टेंस लेवल है 12,100 से 12,150 मेंशन कर देते हैं। तो सी एन एक्स ऑटो पे फोकस रहेगा क्योंकि आज के दिन गिरावट के दिन भी सी एन एक्स ऑटो पॉजिटिव में था। और अगर आप टॉप गेनर देखेंगे तो टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो ये सब आज स्टॉक्स बढ़े हुए थे। तो सी एन एक्स ऑटो पे हम लिख सकते हैं कि 12,100 से 12,150 अगर क्रॉस हो जाता है तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। तो इस पे व्यू मेंशन कर देते हैं। इफ सीएनएक्स ऑटो सस्टेन्स
अब 12,100 से 12,150, देन वन कैन एक्सपेक्ट अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और उसके बाद हमें जो टारगेट एटलीस्ट देखने को मिलेंगे वो 15 से 20% ऊपर देखने को मिलेंगे। तो पास में ही है, 11,700 पे है, 12,100 ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4% और दूर है। तो ये आप सेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी ये सेक्टर आ रहा होगा, और ये मुझे लगता है कि CNX ऑटो पे नज़र रखनी चाहिए आने वाले टाइम में। और अगर ये 12,100 से 12,150 क्रॉस करता है तो आपको एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखेगा, जिसमें आपको टारगेट जो है वो एटलीस्ट 15-20% अपसाइड तो रहेगा ही। तो अगर आप, ये वीकली चार्ट है CNX ऑटो का, मंथली भी देखें तो ये यहीं पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये हमारा CNX ऑटो पे व्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, व्यू सही लगता है आपको, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the daily technical traders room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.